नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ऑल न्यूज स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज एक वीडियो में आपके लिए कुछ हटके लाया हूँ जो कि पत्रिका न्यूज से रिलेटेड निकल कर आया है। लगभग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 24 फरवरी 2019 12:42 PM पर ये न्यूज निकला हुआ है पत्रिका न्यूज की तरफ से। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि अगर ये वीडियो नहीं देखा तो हो सकते हो फेल या हो जाओगे फेल, तो इस वीडियो में मैं ऐसा ही कुछ बात यहाँ पे निकल के आया है जो कि मैं इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बताऊंगा। चलिए छोटी सी जानकारी दूंगा इस छोटी सी वीडियो में, लेकिन छोटी सी गुजारिश है वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखिएगा। एंड में मैं आपको कुछ टिप्स और कुछ न्यूज़ देने वाला हूँ जो कि काफ़ी खास होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, माध्यमिक शिक्षा का शिक्षकों का बड़ा ऐलान, शासक प्रशासन दबाव में है। मतलब शासक प्रशासन मतलब बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर प्रशासन में दबाव में आ चुका है। और शिक्षकों का मतलब यहाँ पे हम बता दें कि अध्यापक का यहाँ पर कुछ सिलसिला चल रहा है जो कि यहाँ पर पत्रिका न्यूज़ में निकल कर आ रहा है। अब चलिए बता देते हैं पूरी न्यूज़। तो हम आपको बता दें, वाराणसी माध्यमिक शिक्षा परिषद ने बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है। उनके इस कदम से प्रदेश शासक और स्थानीय प्रशासकों दोनों ही दबाव में, खास तौर पर यूपी बोर्ड को लेकर। बता दें कि इस बार महज 16 दिन में यूपी बोर्ड परीक्षा करा कर जल्द से जल्द रिजल्ट देने की योजना बनाई गई थी। इसके पीछे सोच यह थी कि लोकसभा चुनाव से पहले परीक्षा का सारा काम खत्म कर लिया जाए, लेकिन इस वक्त पर माध्यमिक शिक्षकों ने मूल्यांकन के बहिष्कार का ऐलान कर शासक व यूपी बोर्ड दोनों को दबाव में ला दिया है। अगर ये शिक्षक मूल्यांकन का बहिष्कार करते हैं तो इसका सीधा असर रिजल्ट पर पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको यहाँ पर सीधा बता देते हैं कि इसका जो है असर सीधा हमारे मतलब रिजल्ट पे पड़ने वाला है। सीधा असर यहाँ पर हमारे रिजल्ट पर पड़ने वाला है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका सीधा असर रिजल्ट पर पड़ेगा दोस्तों, जो कि बहुत ही ख़राब बात है। एक तो हम लोग इतना डरे हुए और कितने ही मतलब परेशानी से यहाँ पर हम दे रहे हैं एग्ज़ाम, बट यहाँ पर ये सब सिलसिला जब निकल कर आता है तो काफ़ी अच्छा नहीं लगता है। चलिए आगे की न्यूज़ भी हम देख लेते हैं। तो बोर्ड की सोची समझी रणनीति फेल होने का आदेश खड़ा हो गया है। यहाँ यह भी बता दें कि परीक्षा से पहले शिक्षक कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने प्रदेश भर में हड़ताल की घोषणा की थी। 3 दिन तक हड़ताल चली भी फिर शासक के आला अफसरों के आश्वासन के साथ सख्त कार्रवाई के भय से हड़ताल स्थगित कर दी गई थी। सरकार ने हड़ताल से निपटने के लिए एस्मा तक का प्रावधान लागू कर दिया था, लेकिन अब शिक्षक फिर से अपनी मांग को लेकर आंदोलित हैं। रविवार को माध्यमिक शिक्षा संघ चेत नारायण गुट के शिक्षकों की बैठक जेपी मेहता इंटर कॉलेज में अपना जो है कि जिसके कॉलेज में चल रहा है, जिसके और भी सख्त निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। और यहां पर शिक्षकों की जो मांग है, पुरानी पेंशन की बहाली, वित्तीय विहीन विद्यालयों की मान्यता धारा परिवर्तन और तदर्थ शिक्षकों को अस्थायी कारण चिकित्सा सुविधा देने और CBI के सम्मान परिश्रम के लिए यहाँ पर शिक्षकों का जो प्रशिक्षक है उनकी मांग की गई है। और गौरतलब की यूपी बोर्ड परीक्षाओं का मूल्यांकन 8 मार्च जी हाँ दोस्तों 8 मार्च से आरंभ होने वाला है और परीक्षकों की सूची बनाने का काम चल रहा है। मूल्यांकन के लिए भी 3 केंद्र बनाए गए हैं। 3 केंद्र कौन कौन से बनाए गए हैं वो हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो को दिया है, उस वीडियो में देखकर आप ये जान सकते हैं कि वो कौन सा केंद्र है। और साथ ही साथ ऐसे यूपी बोर्ड रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को दबा लीजिए। ऐसे ही मिलते हैं दूसरे वीडियो में और यूपी बोर्ड रिलेटेड वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।